गाइस जी गुस्सा ही है मेरे से। तो गाइस गुड मॉर्निंग, अब आप लोग इस भूत का मुंह देख सकते हैं। दिखाओ जी मुंह, दिखाओ, चेहरा ऊपर करो। एक बात तो है गाइस, जो मजा गोलगप्पे खाने में आता है ना, इसको उतना मजा कहीं और नहीं आ सकता है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अंबाला सदर बाजार। ये देखिए गाइस, ये बोली सरदार जी के साथ मेरी फोटो खींच दो। ईशा की आप चालाकी देख सकते हैं। पहले हमने इमरती ली जलेबी वहां से, हमने गाइस जी गुस्सा ही है मेरे से। इधर इधर ओ, क्या नहीं है, क्या नहीं है, देखिए गाइस नाक तो गुस्सा है इसके, भमका दिए अभी इसको। ओए गरम मसाला ओ चिमकांडी जा, देख लीजिए गाइस आप लोग, जीता जागता सबूत है, ये गुस्सा के लाल टमाटर हो गए। तो गाइस थोड़ी देर बाद मैंने इसको मना ही लिया। गाइस ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, हम डिनर बना रहे हैं, यानी कि आप खाना बना रहे हैं। और इसी के साथ आप सभी का जोरदार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। मैं हूँ मिस्टर राज, आप सभी का अपना भाई, और ये पता नहीं कौन है, और ये भी बना रही है मस्त परांठे, आप लोग देख ही सकते हैं, गोल गोल, सॉरी गोल तो नहीं है, टेढ़े मेढ़े परांठे, ट्रायंगल शेप के परांठे। टेढ़ा मेढ़ा ये है, वो गोल तो है नहीं, तो पतला वो ट्रायंगल शेप का ही हो गया ना फिर। तो गाइस गुड मॉर्निंग, अब आप लोग इस भूत का मुंह देख सकते हैं। दिखाओ जी मुंह, दिखाओ, चेहरा ऊपर करो। लोग भी तो जानेंगे सो के उठ के कैसी दिख रही है, देखिए। और उठते उठते इनको चाय मिल गया। मैं खुद अपने लिए चाय बनाया, दूध गर्म किया तो ये चाय एक कप इनके लिए भी बन गया। और वो गाना याद आ गया, सुबह को उठ कर चाय बनाए। लेकिन रात के गाइस चार तीन चार बजे तक ये डायग्राम्स पे डायग्राम्स बना रही थी। कहाँ है तुम्हारा डायग्राम? पूरा डायग्राम्स बनाई है सुबह, मैं सुबह चार बजे देख रहा हूँ ये क्या कर रही है, मेरे को लगा ये उठ, हाँ कि चार ही बज रहा था, और कि सुबह हो गई थी इसलिए नहीं समझ में आ रहा। मैं बोला कि अरे चार बजे उठ के क्या कर रही है, फिर मेरे को लगा उठ के पढ़ रही है, पता लगा मैडम साहब तो रात भर नहीं सोई है। और अभी घड़ी में टाइम देख लीजिए आप लोग, अभी हो रहे हैं 8:35। इनका मुंह भी देखने लायक हो रहा है वैसे, यकीन मानिए बिल्कुल बिल्कुल संडे का पूरा असली फायदा उठा रही है। तो गाइस हैप्पी संडे टू वन एंड ऑल, संडे बहुत दिनों बाद आता है ना, ऐसा लग रहा है संडे की कमी कर रही है। संडे संडे भी नहीं था, लिखना था इतना। गुड आफ्टरनून, वक्त हो रहे हैं दोपहर के 2 बजे, नहा धो करके सब लोग रेडी हैं, और अभी हम लोगों ने जाना है अंबाला। एक्चुअली उसका जो ड्रेस था उस ड्रेस में बाजू था नहीं, और मुझे भी कुछ काम है अंबाला में आज, कुछ चीज़ें करना है, तो अभी हम लोग अंबाला जाएंगे वापस। यहाँ से अंबाला की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, और अभी मैंने गाड़ी बाहर निकाल लिया क्योंकि मनीषा बोल रही थी कि वो पढ़ रही है, अभी कह रही थी कि मैं आप गाड़ी निकालो, पहले गाड़ी आप निकाल लो उसके बाद से मैं फिर रेडियो के चलूँगी। आज के हेड बात करने के बाद ना बाल का थोड़ा सा नक्शा ही बिगड़ जाता है, और आप लोग देख सकते हैं ये लड़की पागल है। ओ चलो गाड़ी भी निकल गया, सब कुछ हो गया रेडी। हाय बोलो। हाय, कैसे हैं आप लोग? पूछो, ठीक ही होंगे? अरे तुम बोलो ना, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? इधर देख के तो गाइस शी इज गेटिंग डिस्टर्ब। एनीवेज टाइम टू मूव आउट, अब 5 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे। बिट्टू को बुलाया मैंने, बिट्टू को साथ लेके जाएंगे। बस बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगेगा। इसका तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, ये इसके वजह से बहुत लेट हो गया। और ये देखिए गाड़ी में ये क्या कर रही है, इसकी पेंटिंग देखिए आप लोग। कल ही देना है, अभी तक मैं नहीं लिखी, और कल इनका प्रैक्टिकल है इसी का, और सबमिट नहीं है। ये लो पकड़ो फोन, और करो कंटिन्यू। अब हम लोग जा रहे हैं गाइस, आज सुबह इसने 5 परांठे बनाए थे, 5 में 4 मैंने खा लिए, एक इसे मिला। नहीं नहीं, आज इनको फेवरेट का मैं गोभी का भुजिया बनाई थी, और इतना टेस्टी हुआ था ना। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा टेस्टी, मतलब
क्या बताऊँ मैं उसको, इसको बोल दिया हूँ कि अब मुझे चार दिन लगातार वही बनाती है। और तो और मेरे को भी भूख लगा था, ये कभी चार पराठा खाते नहीं है, लेकिन मेरे को लगा था कि भुजिया मैं खा के देख रही, तो मेरे को लगा था ये भुजिया अच्छा लगेगा, इसलिए मैं एक ही पराठा खा के बोली कि मेरे को मन नहीं है, मैं चाय पीने जा रही हूँ ताकि ये खा ले। अभी इनको लगी है जोरदार भूख, तो मैंने बोला चलो पहले बर्गर पॉइंट चलते हैं, वहाँ कुछ खाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अम्बाला की तरफ निकले। और आज भी मैं बनाऊंगी वो गोभी का भुजिया जो आप लोग से शेयर करूंगी ना। हाँ, वो शेयर किया, बहुत टेस्टी लगा, पहली बार मैं इतना टेस्टी आलू के जैसा चू, खुद की हाथों पे इनको यकीन नहीं हो रहा था कि अरे यार मैं इतना टेस्टी कैसे बना लूं, जानते हो बिट्टू इतना मस्त बनाई है ना, इतना मस्त कि कोई जवाब नहीं। तो चलते हैं अब जहाँ हम जा रहे हैं, अभी चल लेंगे ना कुछ खाने के लिए। हाँ अभी कुछ खाने चलेंगे। ओके गाइस चलते हैं, और आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा हमारे वीडियो को, खूब सारा प्यार दीजिएगा, जैसा कि सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए जल्दी गाइस। हां गाइस मेरा ब्रेक लगा हुआ है, रुक रुक बोल रहे हैं गाइस, शेयर शेयर करिए, सिल्वर बटन जल्दी देखना है मुझे, 3 तारीख को निकलना है उससे पहले। अच्छा तो गाइस अभी हमारा एनिवर्सरी आज से सिर्फ 2 दिन है, और 2 दिन में अगर आप लोग इतना सारा प्यार दे देंगे तो शायद एक अलग से और एक्स्ट्रा खुशी मिल जाएगी, है ना। सबसे बड़ा गिफ्ट आप लोग की तरफ से वही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट हो जाएगा क्या? तो हम लोग उस दिन काफी ज्यादा खुश रहेंगे, और आप सब देखिएगा उस दिन बहुत ज्यादा आप लोग को सरप्राइज मिलने वाला है जो आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। चलते हैं अब, ये दोनों जा रहे हैं मास्क खरीदने, क्योंकि मास्क चेकिंग अभियान बहुत जोर जोर से चालू है हरियाणा में, और हम लोग पहुँच चुके हैं बर्गर पुल। गाइस मैंने तो ऑर्डर कर दिया है फाइनली, और आज बराड़ा बिल्कुल सुन सन्नाटा होता है। मीनवाइल देखिए मैं इधर ऑर्डर कर रहा हूँ, और इधर ये लोग दोनों ये अपने अपना वाला काम शुरू कर चुके हैं। ये देखिए आप लोगों में दिखा रहा हूँ, ये वो शख्स है, वो उसको तो देख रहे हो, खुद गोलगप्पा बन चुका बड़ा वाला, वो उसको राज कचौड़ी बोलेंगे। अच्छा एक ही प्लेट में दोनों, तो ये देखिए अब यहाँ पर इनका गोलगप्पा अभियान शुरू है। नहीं मैं नहीं खाता हूँ, मैं खाता ही नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं सिर्फ चिकन में जो मजा है वो कहाँ किसी और चीज में है कि नहीं। एक बात तो है गाइस, जो मजा गोलगप्पे खाने में आता है ना इसको, उसको इसको और वैसा मजा कहीं और नहीं आ सकता है। मुंह ही गोलगप्पा हो गया है, देखना जरा इधर मुंह में वाट भी इनके ऊपर टेडी बियर ये कौन रख दिए हैं आपके सर के ऊपर टेडी बियर, ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चे पीछे वाला ये पूरा पात आदमी है गाइस। और आप सब देख सकते हैं ये इनका काम है रखना, है ना, भैया कभी अकेले ना पड़े इसीलिए गाइस इनके ऊपर कुछ फनी करना अच्छा लगता है। अभी बिट्टू अकेला पड़ा हुआ है, मेरे साथ तो बस यही है फिलहाल में गाइस। अच्छा प्रकाश के साथ था पिछली बार, तो अब हम लोग चल रहे हैं। गली में पहुंच चुके हैं अम्बाला सदर बाजार, और यहाँ से अभी बहुत सारे काम कर रहे हैं, है ना मिनसर। मंजा कह रही है मैं मास्क निकाल दूं, मैं भी अपना मुंह दिखाऊं, सब लोग अपना मुंह दिखा के घूम रहे हैं तो और बिट्टू को देखिए, बिट्टू यहाँ पर अकेले वन मैन आदमी बनकर चल रहे हैं, सुन रहे हैं ना आप लोग इनका रिकॉर्डिंग, ये कह रही है एक बार वो उतरवाइए एक बार ये उतरवाइए, दिखा दो पहले इसको कुछ पसंद आ जाए। गाइस तो बिट्टू अभी हमें लेकर के आया, उसको कुछ सामान अपना ड्रॉप करना था, कह रहा था भैया 1 किलोमीटर है, मैं लगभग 6 किलोमीटर चल चुका हूँ, और अभी तक अब आके वो क्या कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। अरे नहीं पता कि वो अंकल का उसके घर कहाँ है, आप देख सकते हैं, देखिए इसको कुत्ते भी भौंकने लग गए, ये पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहा है ना मंचा।
खुद कंफ्यूज हो गया, अभी उसको घर का था पता नहीं है वो कहाँ लेकर के आ गया। आप लोग भी देख सकते हैं ये नजारे हमारे चारों तरफ क्या है, कुछ नहीं, जंगल ही जंगल, दो चार घर दिख रहे हैं। वो देखिए कहाँ तक गए, उसको भूल गया रास्ता एक्चुअली में, है ना। खत्म हो गई सड़क, खत्म हो गई, ये थोड़ी बची है बस। हाँ दो दुकानें बनी हैं। और गाइस सदर बाजार का ये प्राचीन श्री हनुमान मंदिर बहुत खूबसूरत है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए गाइस, ये बोली सरदार जी के साथ मेरी फोटो खींच दो। क्या क्या कर रहे हैं सरदार जी? देख रहे हैं, तुमको देख रहे हैं। चलो जल्दी उठो, इनके आशीर्वाद ले लो। चलो ईशा की आप चालाकी देख सकते हैं। पहले हमने इमरती ली, जलेबी वहाँ से हमने खा लिया एक एक, उसके बाद हमने नमकीन लिया वो भी खा लिया, उसके बाद मनीषा बोलती रसमलाई खाना, देखिए रसमलाई सद नहीं रहा था तो एक चम्मच मेरे को एक चम्मच बिट्टू को ऐसे कर कर के सबसे खिलवा खिलवा के ख़त्म करवा दिया। और ये हमारी मिठाई की दुकान सदर बाजार में, और रात का माहौल कितना सुंदर, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन दिख रहा है ये सब कुछ। देखिए गाइस कितना गोल्डन गोल्डन सब कुछ। ये यहाँ के फेमस, अब ये देखिए बाजू लगाए, इसमें भी अभी इसको दिक्कत हो गई, रोड पे ही देखना है यार, ये ऐसा बाजू लगा दिया। और ये देखिए दाल बड़ा बहुत फेमस है ना, मीठा हो गया गन्ना। कैसा है टेस्ट? नहीं पता चला, एक बार खिलाइए। एक बार में नहीं पता चला। ओ भाई मारो, अब भी नहीं पता, एक बार खिलाइए, मार देंगे सब खा जाएगी तुम। And guys, what? अभी हम लोग फिश फ्राई खाने के लिए बैठे हुए हैं। मनीषा का फेवरेट है फिश, और इसको फिश मिलता नहीं है तो ये कह रही है कि मुझे आज मछली खाने का मन कर रहा है। तो फिश नहीं है तो ये बिट्टू भी बैठे हुए हैं। अच्छा लगता है मेरे को, बहुत दिन हो गया खाए हुए, बहुत काफ़ी दिन हो गया था। घर के बाद हम लोग कॉन्टिनेंटल में खाए थे लेकिन वहाँ मज़ा नहीं आया, लेकिन यहाँ हम लोग बहुत अच्छा खाएंगे फिश। बहुत उम्मीद के साथ ये लोग लाए हैं कि घर के जैसा ही मिलेगा, तो मैं ट्राई करती हूँ। मैंने खुद एकदम मन ही कर दिया था ना, तो फिश काफ़ी दिनों बाद खाएंगे। वैसे भी किन लोगों का फिश फेवरेट है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो वैसे फ़िश से ज़्यादा चिकन, तो हम मैं अभी डिनर भी कर लूँगा बिरयानी, और उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। फिश आने में थोड़ा देरी है, तो मनीषा क्या करिए, ये प्याज और नींबू आए हुए थे, ये मेरे बोली प्याज लीजिए, और कैसे खा दिए, कैसे खा दिए बोल रही थी बताओ, ऐसे ऐसे पैसे फिर से मुँह देखो गाइस, मतलब तो हम लोगों ने फाइनली दम बिरयानी ट्राई कर लिया। ये आपके मेरे लिए गिफ्ट, देखो ये क्या ला रही है, सौंफ। सौंफ नहीं है, सौंफ टिश्यू होगा फिर निचोड़ा हुआ, तो है एक खुरापात इंसान। तो ये देखिए ये हम लोगों से सदा नहीं, खाने के बाद इतना बच गया तो ये हम लोग घर लेके जा रहे हैं। तो इसी के साथ अब वक्त होता चला है कि हम सब आपसे विदा लें, और गली में तो हमारे चांद निकल ही गया था, और चांद भी बेहद खूबसूरत था। ताजुब की बात यह है कि मनीषा आज भी चांद को चंदा मामा कहती है, और ये बहुत ही उसकी क्यूटनेस को बढ़ा भी देती है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और गाइज हाँ कल के वीडियो में मनीषा के भैया और मनीषा की बहन छोटी बहन दोनों आ रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वो वाला ब्लॉग भी अच्छा लगेगा। अगर आप वो ब्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द वाली वीडियो भी अपलोड करूंगा। शायद आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो लोग हमारे पास पहुँच भी चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।